अलहमदल रबीआलमिन वल वसलम उला सैदिलुरसलिन वसल सैदना व मौलाना महम्मद वाल आलि वही व बारक़ वसलम वसल दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनेद अखबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ असलकम एक बार फिर नाजरीन आपको नूर सब नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और आइए बिला तो चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली बरकतलीम की तारीफ़ अस्मान नबी करीम करीम सलील वसलम से रसूल सल्ला वसम का एक मुबारक पढ़ने और सुनने की सदत हासिल करते हैं सैदुना अलमनसिफ़ु हमारे सरदार इंसाफ़ फरमाने वाले दूरदोसम विजयल्ला आप वसलम पर आप सल्लाम के आ पाक पर और साहबा कराम अज़माइन पर हजूर नबी करीम सल्हु वसलम शाया कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला सात लोगों को अपने सय में रखेगा जिस दिन किसी को साया ना मिलेगा और उन सात लोगों में सबसे पहला शख्स अपने अहलोयाल के साथ अदलो इंसाफ करने वाला होगा जनाब जुड़े रहिए आज हमारे साथ खासतौर पर मैं गुजारिश करूंगा वालदे से और भाइयों से कि वो तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि आज बहनों और बेटियों की विरासत की जो आकाम है और मसाइल उस पर गुफ्त होगी आप पंच वक्ता नमाज पढ़ लीजिए आप तकबीर नमाज पढ़ लीजिए आप कुरान की तिलावत करते चले जाइए आप कसरत से सदकार देते चले जाइए बेहतरीन अंदाज से आप जकत का अहतमाम करें कि माल में से बिल्कुल नाफतोल जकत निकाल दें हर साल आप हज भी करें हर साल आप उम्रें भी करें लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपनी बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे विरासत की तकसीम के मामले की बात कर रहा हूँ नाजरीन तो जहन में रखिएगा ये सारी इबादत खुदा न खास्ता वनिश कर दी जाएंगी आप साहब बहुत ही नेक हों बहुत ही नमाजी हों बहुत ही परहेजगार हों बहुत ही मुतकी हो इतना बड़ा निशान आपके माथे के ऊपर मौजूद हो कि लोग देख के कहें कि साहब शक्ल देख के जो है वो अंदाज़ा होता है कि क्या नमाजी है यह शख्स लेकिन अगर आपने अपनी बहनों के साथ इंसाफ नहीं किया ना कि जो तरका आपके बाप ने छोड़ा था और आप उस पर सांप बन के गंजा सांप बन के जो है वो काबिज हो गए और भमगोड़ लिया अपने सारे माल को और रुला दिया अपनी बहनों को तो जहन में रखिएगा कि फिर ये जो माथे के ऊपर आपके नमाज का निशान है ना वो खुदा न खास्ता काम नहीं आएगा यानी आज सोचिए सूरत हाल क्या हो चुकी है बल्कि मैं एक सवाल कर लेता सूरत हाल को बतलाने से पहले कि अगर मैं उन तमाम लोगों से यह कहूं कि जो अपनी बहनों का हक खा जाया करते हैं उसको दबोच लिया करते हैं उसके ऊपर काबिज हो जाया करते हैं या मैं उन वाले से मैं इस वक्त मुखातिब हूं कि जो तकसीम करते वक्त यानी जो अपने ये जो तरका है उसके हवाले से जो है कभी कभी ऐसा होता है कि सारा कुछ जो है वो बेटों के नाम पर लिखवा दिया करते हैं कभी कभी ये कह दिया करते हैं कि हमने तो जहेज़ में अपनी बेटी को सब कुछ दे दिया था अब मजीद उसका कुछ बनता नहीं है तो इस तरह के मामला करने वाले लोग अगर मैं उनसे ये सवाल करूँ कि अगर आपके गले के अंदर दो गज़ ज़मीन सिर्फ दो गज़ जमीन जिसके अंदर इंसान को लटाया जाता है उसका तोक डाल दिया जाए तो आपके ख़्याल में उस तोक को आप बर्दाश्त कर पाएंगे मेरा ख्याल है आपका अगला जवाब ये होगा उसको बर्दाश्त करना तो कुछा हम तो उसके वज़न के अंदर ही दब जाएंगे दो गज़ जमीन की मैं बात कर रहा हूं

गले में डाल दी जाए तो आप अब कोई कलाम कर ही नहीं सकते फिर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया पूरी दुनिया की ज़मीन को आप उठा लीजिए और अपने गले का तोक बना लीजिए आपका क्या ख्याल है आप क्या कहेंगे आप कहेंगे साहब क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ हो ही नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना ये तो यानी कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं अब जरा हदीस पाक को जरा सुन लीजिए तवज्जो से हजरत आ... िन जैद रजू अल्लाह तु फरमाते हैं रसूल सलम ने फरमाया कि जो शख्स किसी की बालिश भर बालिश भर ये बालिश की बात कर रहा हूँ मैं बालिश भर जमीन भी अजरा जुल्म लेगा कयामत के दिन सातों जमीनों में से इतनी ही जमीन उसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी अब अल्लाह बेहतर जानता है कि यह मामला क्या है लेकिन सातों जमीन जरा सोचिए एक जमीन पर हम रहते हमें नहीं मालूम साहब ये जमीन कितनी बड़ी है सात जमीनों का तोक उसके गले में डाला जाएगा आज बच्चियां रुल रही हैं बहने कोर्ट्स में रुल रही हैं हजारों केसेस मौजूद हैं कहीं साहब उनको धमकाया जाता है कहीं उनको यह कहा जाता है कि तुमसे हम ताल्लुक खत्म कर देंगे अगर

बीवियों के लिए कल बरोजे मेशर छोड़ दीजिए कल बरोज़ मैशर दुनिया में अल्लाह दिखा देता है और जब आप कबर में उतारे जाएंगे ना कबर में सबसे पहले कीड़े मकौड़े आपको भमोड़ना शुरू करेंगे और बरोज मेशर ये जो सात जमीनों का तोक और उसके बाद अजाब है उसको आप किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लिहाजा याद रखिए अपनी बेटियों के मामले में और अपनी बहनों के मामले में विरासत के मामले में इंसाफ से काम लीजिए वरना खुदा न खास्ता आप इस अजाब से बच नहीं पाएंगे आगाज़ करते हैं और बहुत खुल के आज इस मौजूद को करेंगे हमारे साथ इस वक्त तीन शख्सियात मौजूद हैं तकी किसी तार्फ़ की मोहताज नहीं पहली शख्सियत मुताज़ आलिमदीन जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ़ तो फर्मा है दूसरी शख्सियत मुताज़ जनाब जनाबा मोहम्मद अशफाक मदनी साहब तशीफ तो फरमाए हैं और तीसरी शख्सियत पहली मरतबा मरत हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ तो लाएँ आप एडवोकेट हैं एल एल एम शरिया लॉ वाइस प्रिंसिपल फाराबी लॉ कॉलेज हाफिजाबाद से तल्लक जनाब इजहार जाहिदी साहब मारूफ ख़ानूनदान भी हैं बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ और तीनों आब आपको असल खुश आहदेद आगाज़ करते हैं सबसे पहले आप मेरा ख्याल है मुफ़ी साहब मुतलकन जरा लोगों को बताइए ये मामला कितना संगीन है कुरान विरासत की तकसीम के मामलों पर मुतलकन क्या कहता है बहुत शुक्रिया जुनेद भाई आपने नहायत फ़िक्र अंगेज़ अंदाज में हमें और हमारे सामीन को इस तरफ मुतव किया कि शरीयत मतहर के वाज और सही अहकाम <सभी थाँगाँगाँ> था के होने के बावजूद हम माशरती तौर पर किस कदर अफरात तफरीत का शिकार हैं वरासत के बाप में देखिए वरासत का इल्म बहुत अहम है और इसको हमारे उलमा और अकाबरीन ने इसकी ताबीर की तावील की तशरी की उस हदीस मुबारक की रोशनी में कि आकल सलाम ने इसको निसफ़ इल्म करार दिया है यानी आधा इल्म करार दिया है इस विरासत के इल्म को और आईमो और मुहदसिन ने फरमाया कि आधा इम इसलिए है कि शरीत मतहरा ने गाया के इंसान की ज़िंदगी से मुतक हदायत दी और फिर मरने के बाद से मुतल हिदायत दी तो ज़िंदगी के सारे इल्म को अगर एक पलड़े में रखें और किसी के फौत होने के बाद जो शरीयत के अहकाम नाफज होते हैं उनको एक तरफ़ रखें तो इस अतबार से ये आधा इम बनता है अल्लाह और इसको इमराइज़ कहा जाता है और फ़राइज इसलिए कहा जाता है कि फ़रीदतन फ़र्द इसका माना होता है कि किसी शय का मुतन हो जाना मुक्रर हो जाना यानी आप इस इल्म को जो टाइटल और उनवान दिया गया है उससे आप अंदाजा लगाइए कि इल्मुल फ़राइज इलमायज मुत शुदा हिस्सों का इल्म तो जिसे कुरान ने वाज़े तौर पर मुतन फरमा दिया हो उसकी तहदीद तख़सीस फरमा दी हो वाज़े तौर पर उसका हुक्म दे दिया हो तो फिर उस इल्म को अगर आज हम बतौर इल्म भी नजरअंदाज किए बैठे हूँ और अमली जिंदगी के अंदर भी नजरअंदाज किए बैठे हूँ तो यह किस कदर दीन से गफलत का ये हमारा सबब बनेगा और इसका कितना बड़ा वबाल होगा और वबाल की तरफ ही आपने मुतवज्जे किया उस अदीस पाक की रोशनी में कि अल्लाह तबारक व ताली ने किस कदर तमबी फरमाई आकल इस्लाम की ज़ुबान मुबारक से कि जम सात जमीनों का तो उसके गले में डाल तो मतलब ये तो बयान कर ही नहीं सकता ऐसे ही है अच्छा अब जो इल्मज़ की बात है या यामरास की बात है इसको जब हम कुरान मजीद से देखते हैं तो सबसे पहले तो आप यूँ देख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ तो वरासत और उससे मतलक अहकाम का, का कुरान मजीद के अंदर कई मुकाम पर इसका तस्करा फरमाया है मख्त अंदाज में मगर सुरासा की तीन आयात ऐसी हैं कि जिसके अंदर बाकायदा तौर पर हिस्सों को बहुत वाज अंदाज में अल्लाब ने ख़ुद कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिया मुतन फरमा दिया है अच्छा। वो सुरान नस्ाह की आयत नंबर ग्यारह है फिर बारह है फिर 176 सेवेंटी सिक्स एक सौ छिहत्तर है जिसको आयत कलाला भी कहते हैं उसके अंदर उसके अहकाम आए अच्छा। और ओवरऑल मुख्तलिफ़ मकाम पर कुरान मजीद में ये अहकाम आए अच्छा ये जो कुरान मजीद ने हिस्से मुतन फ़रमा दिए हैं ना ये अब हिस्सों को उसी हिदायत के और अकाम की रोशनी में तकसीम करना ये मुसलमानों के ऊपर फर्ज है फ़र्ज है तभी तभीफ़राइज का इसको दिया गया है और इससे गफलत ये दीन के आधे अहकाम से गफलत के मुतरद शुमार होगा कि गोया के दीन के आधे अहकाम को छोड़ दिया गया है क्योंकि नेस्ट फिल्म उसे करा नेस्ट फिल्म गया। कहा गया नेस्ट फिल्म कहा गया और सीखने के लिए ताकीद की गई जी अच्छा फिर ये देखिए इसके पीछे जब हम छुपे हुए फ़लसफा को देखते हैं हिकमतों को देखते हैं मसले को देखते हैं तो अल्लाह इज़्ज़त का निज़ाम है वो कोई भी जायदाद है दौलत है उसकी गर्दिश और तकसीम को शरीयत मुताहरा ने लाजम फ़रमाया है ठीक फिर इसके अंदर जो उसूल वारद होता है वो ये कि अल व फल अकरब, -अकरब जिसका ज़्यादा करीबी रिश्ता है उसी को ज्यादा हकदार ठहराया गया है वरासत के बाप के अंदर अच्छा वरासत के बाप में एक बड़ी दिलचस्प बात यह कि जो लोग ये एतराज उठाते हैं कि क्या औरत को आधा हिस्सा दिया गया है, है इसको मैं यूं एड्रेस करना चाहता हूं कोई भी शख्स के जो फौज शुदा शख्स के जो वरासा हैं अगर हम उसकी लिस्ट देखें जिनको कहते हैं असहाब फराइज यानी जिनके हिस्से मुतन कर दिए गए हैं तो उनमें चार मर्द हैं और आठ औरतें हैं ओके okay. तो चार मर्दों को दो दो हिस्से मिले तो टोटल हिस्से आठ हुए और आठ औरतों को एक एक हिस्सा मिले तो टोटल हिस्से आठ हुए इसका मतलब है किसी भी फौत होने वाले शख्स की जायदाद को इब्तदान शरीयत ने बाई जेंडर देखें तो उसे फिफ्टी फिफ्टी कर दिया है उसे निस्फ निस्फ कर दिया है गो किसी फौत होने वाले शख्स की आधी जायदाद को मर्दों में तकसीम किया गया है और आधी जायदाद को औरतों में तकसीम किया गया है यह भी शरीय मुतहरा की किस कदर एक आधेलाना तकसीम हमारे सामने आती है तो वो सवाल ख़त्म हो जाता है दूसरा ये ऐसे एबार से देखें कि मर्द के अगर चार रिश्तों को हिस्सा मिल रहा है वरासत में तो इसका मतलब है कि एक मर्द अपने रिश्तों में से चार जगह से हिस्सा पा सकता है ज्यादा से ज्यादा और एक औरत आठ रिश्तों से अपना हिस्सा है तो जब मर्द चार जगहों से हिस्सा है तो उसके अगर टोटल भी उसे मिल तो आठ हुए और और औरत अगर तमाम से वरासत पाकर हिस्सेदार बन रही है तो उसके टोटल हिस्से भी आठ हुए तो गोया के इस एम में बहुत गहराई है जो लोग एतराज उठा लेते हैं या बना लेते हैं हकीकत में या तो उसके पीछे तासुब होता है या जहां

जो नहीं देता वो कुरान मजीद की और अदी से मुबारक की बहुत सारी वईदात के जुमरे में आता है बहुत बड़ा वबाल है बहुत बड़ा अजाब है शरीयत से ना इंसाफी भी है और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को तर्क करने के बाद ठीक अच्छा अब ज़र दीन इस्लाम ने तो बड़ा एक मुतवाजन सा निज़ाम दे दिया और अगेन वही बात कि औरत जो है वो अपना साढ़े चौदह सौ बरस पहले जो है अपनी आइडेंटिटी को जो है तलाश कर रही थी को इसके कि वो खुद विरासत में मुंतकिल हो जाया करती थी उस औरत को मतलब जो एक आइडेंटिटी भी मिल गई और उसको वरसे में हिस्सा भी मिल गया सारी चीज़ें और जाहरा ये सब सरकार का फैजान है आज भी अगर आप देखें तो इवन हिंदुस्तान के माशरे को देखें तो वहाँ का जो एक्ट है वह कहता है कि ज़ाहिर वो लड़का और लड़की दोनों को जो है वह अपने बराबरी की बुनियाद पर तकसीम मतलब जो है की जाएगी लेकिन वो अगेन वही बात है कि वहाँ चूँकि वो जहेज़ को दहेज कहते हैं ना तो हमने दहेज दे दिया है बच्ची को तो वो दहेज को जो है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं वो बुनियादी तौर पे लेकिन हमारे यहाँ ये दायरे बड़ा सादा सा निज़ाम अदी से मुबारक और सरकार मदीना सल्हली वसल्लम के दौर में बेटियों और बहनों की जो विरासत के हवाले से हमें दायरे हवाले मिलते हैं मैं चाहता हूँ ज़रा उस पर कलाम करें और सरकार ने उसको कैसे डील फरमाया बतलाइया बिस्मिल जाने कायनत मोहसिन इंसानियत सल्हली वसलम ने ज़ान जाहलीत की जिन कजियों को दुरुस्त किया और जिन पैचीदियों को ठीक किया उनमें से एक विरासत का मामला ठीक जमाने जाहलीत में जो विरासत तकसीम होती थी वो नसब की बुनियाद पर तकसीम होती थी माहदे की बुनियाद पर यानी माहा लोग कर लेते थे कि मेरे मरने के बाद तू वार हो जाएगा और तेरे मरने के बाद मैं वारिस हो जाऊँगा या फिर मुँह बोला बेटा बना लेते थे इस तरीके के रिश्ते क़ाय कर लेते थे इस बुनियाद पर और उसके अंदर इस पूरे उसूल के अंदर औरत का कहीं भी जिक्र नहीं आता था औरत किसी भी रिश्ते से जुड़ी हो उसको विरासत नहीं दी जाती थी बल्कि बजाते खुद औरत को रसा और तरका समझा जाता था और उसे भी बांट दिया जाता हुँ। था थाने का जलवा गरी हुई तो आपने मदीना तयबा के अंदर ऐसे आपके पास आए आपने उस वक्त अल्लाह रबालमीन की वही का इंतजार किया और उस वही के मुताबिक फिर फैसलों को किया अंदाजा लगाए हमारे यहाँ ये होता है कि हम बड़े जहीन है हम बड़े फतीन है हम माशरे को समझते हैं हम जैसे बांट देंगे वैसे ही हमारे फैसले दुरुस्त होंगे मुझे बताइए सबसे ज्यादा जहीन तो ताजदारे कायनात है बेशक सबसे बड़ा अकलमंद इंसान पूरी इंसानियत में वो उनका नाम हजरत मोहम्मद और सबसे बड़े आदिल भी वही वसल्लम उनकी मिसाल देखिए नबी पाक जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बेवा अपनी दो बेटियों के अमराज जो कि जिनके वालिद हजरत साब ये फैसला लेकर ये बेवा और अपनी दो बेटियों के हमारा ताजदारे मदीना के पास को रिवायत करने वाले हजरत जाविर बिन और ये मुस्नद इमाम अहमद में तिरमजी में

देखिए अल्लाह तबारक फरमाए लेकिन जितनी डिटेल विरासत की बयान किया की किसी की बयान हाँ। उसको आगे वजाहत करती। जैसे नमाज है कैसे टूट जाता है क्या क्या मामला होते हैं हदीस ने उसकी डिटेल हज है हज के कितने मामला उसको हदीस ने डिटेल में बयान किया लेकिन विरासत ऐसी चीज है जिसको कई रुकुओं के अंदर अल्लाह तबारक वाला ने वजाहत से बयान प्रोफोशनली किसको क्या मिलेगा यह भी ने ही अब यहाँ पर नबी पाक अली ने फिर उस शख्स को बुलाया और उनको बुला के कहा दो तिहाई इन बेटियों को दे दो अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया है और जो है आठवा हिस्सा उनकी बेवा को दे दो क्योंकि बेटा नहीं था तो बाकी जो बचेगा बतौर अशबा जो है वो तुम रख लो इसका हिस्सा बाकी रख लो इसी तरीके से

और मुझे होश आ गई और फिर मैंने उस वक्त देखे कितना सहाबा इकराम नबी पाक अली इस्लाम की तालीमत पर अमल का शौक रखते थे जैसे ही होश आया पहला सवाल किया हजूर में अपनी विरासत कैसे पहला सवाल तो मैं विरासत कैसे तकसीम बयान तो किया अब इसी तरीके से फता मक्का के मौका पर हजरत साहते मैं शदीद तरीन बीमार हो गया था और उस वक्त हजूर अलीलाम मेरी इयादत के लिए आए और उस वक्त साद बिन अभी वकाश की औलाद में सिर्फ बेटी थी उसके अलावा उनकी औलादे बाद में हुई है तो यह हजूर अलीस्लाम से पूछते मेरी एक बेटी है तो मैं क्यों ना अपना आधा माल जो है वो उसकी वसीयत कर दूं उसको खैरात कर दूं और बाकी जो है वो मेरी बेटी के लिए रह जाएगा तो नबी पाग ने एक तो ये फरमाया कि तुम अभी मरने वाले नहीं हो अभी तुमसे जो है ना मुसलमान क्या और काफिर जो है ना वो तुमसे नुकसान रसूल और उसके बाद हजूर अली स्लम ने कहा नहीं सिर्फ एक तिहाई में तुम अपनी वसीयत को जारी करो और अपनी औलाद को फकीर बना के ना दुनिया से जाना बल्कि उनको गनी करके दुनिया से जाना ये सैंपल केस बन गया एक तिहाई जो आप हिबा कर सकते हैं हिबा कर सकते हैं एक तिहाई जो है मतलब आप वसीयत कर सकते हैं चैरिटी कर सकते हैं और फिर ये भी नबी पाक इस्लाम की तलीमत फिर बाद में आ गई कि जिनके हिस्सों को अल्लाह रब्बुल बयान फरमा चुका है उनके लिए अब वसीयत करने की जरूरत नहीं क्योंकि उनको अल्लाह रब्बुल बयान फरमा चुका ने बयान फरमाया अब कोई शख्स अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए और अपने आप को डेढ़ समझ के जो है वो बेटियों और बहनों को मरूम करे तो वो बंदा फिर उसी लायक है जिसको आपने बयान कर

माशरे में रहते हैं जो कि इस्लामिक माशरा यानी बेतहाशा केसेस बेटियों के हवाले से विरासत ना मिलने के भाइयों के कब्ज़े के हवाले से सुनने में आते हैं कि तशद्द हो गया मार दिया बहन को धमक पता नहीं क्या कुछ कर दिया तो क्या इसबाब क्या वजूहत क्या तदार जरा बताइए इस हाले से आपको तो बड़ा जाहिर चूँकि आप इस शोबे से वाबस्त हैं कानून के मतलब ये ज़रा बसमल तसलम सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में औरत को विरासत में जो हक़ नहीं दिया जाता ये एक समाजी मसला है अगर हम इसे कानूनी अतबार से देखें तो पाकिस्तान का कानून जो है वो खातून को विरासत में हक़ देता है ठीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सेवेंटी थ्री इसमें आर्टिकल एट से लेकर ट्वेंटी एट तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं ओके बुनियादी हकूक है ओके यानी आपके वो हकूक जिनकी प्रोटेक्शन और गारंटी जो है खुद कॉन्स्टिट्यूशन लेता है बुनियादी हमारा जो आयन है वो लेता है और ये वही हकूक है जो अल्लाह और रसूल ने दिए या उसमें कोई है नहीं कंट्रोडिक्शन नहीं है ठीक है इसमें जो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री है उसके अंदर बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि हर मर्द और हर खातून का प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो राइट है वो हक है किसी सूरत के अंदर भी उसको अपने हक़ से महरूम नहीं किया जाए ठीक है किसी सतह पर नहीं किया यानी कानून हक देता है अब सवाल यह है कि जब कानून हक़ देता है बावजूद इसके फिर इतने ज़्यादा केसेज़ पाकिस्तान की अदालतों में हज़ारों की तादाद में केसेज हैं जनाब आप अगर जाके देखें तो उसमें आगे वो चंद चीज़ें आएंगी मैं उनका जिक्र करूंगा अब ये सबसे पहली बात ये है कि वजह क्या है कानून भी है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट right देता है पहली जो वजह है वो विरासत के कवानी से बेखबरी है ओके ठीक है हमारे ही नहीं है कि कानून क्या कहता है बल्कि एक सर्वे है मैं वो अर्ज कर देता हूँ कि जिसमें खवातान का सत्तर फीसद यह जवाब था कि हमें पता ही नहीं है विरासती कानून है क्या ओके नहीं हमें हम... अपनी राइट्स के नहीं पता नहीं पता है हमारा हक क्या है कितना बनता है क्या हमारा हक है भी है कि नहीं यही वजह है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे अलाका जाते हैं कि जहाँ पे औरत को विरासत में हक जो दिया जाता है उसकी जो शराह है वो ज़ीरो है ओके वो सिफ़र है उसकी सबसे बड़ी वजह आप हम नाम नहीं लेना चाहते आप कह रहे थे कि किसी सूबे में जी पूरा एक सूबा है पूरा एक सूबा है जी पाकिस्तान उस सूबे में जो है वो जीरो है बिल्कुल जी जीरो है वहां नहीं सबसे हक दिया ही नहीं जाता और नहीं दिया अमेजिंग और ये पाकिस्तान की बात हो पाकिस्तान की बात हो रही है एहतराम बड़ा किया जाता है विरासत में हक नहीं दिया जाता। और के से आप ये देख लें कि आपने अपनी बहन के घर जाना है शादी शुदा है यह एहतराम है खुद बना लिया अच्छा यह है कि पानी नहीं पीना वहां पर लेकिन उसका कुल माल जो है वो हड़प किए बैठे अब इसी तरह पाकिस्तान के कुछ इलाका जाते ऐसे हैं जहां पे नब्बे फीसद खातन को विरासत में हक ये भी आप बता रहे थे एक सूबा है जी ये भी एक ये भी एक सूबे सूब की की सूबे की की बात बात हो हो रही रही है है और दो सूबे के केसेस आपने बता दिए बता दिए ठीक है इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने अर्ज कर दी है कि वो जो हमारा कानून है कानून विरासत है उससे बेखबरी लेकिन इससे पहले की बात भी है ना हजूर वाला पहले की बात यह है कि जो देने वाला है उसको अपने फराइज का भी तो नहीं पता या पता है तो उससे नजर कर रहा है वो अब वो दूसरा सर्वे जरा देखिएगा उसमें यह है कि पाकिस्तान में यह सर्वे हुआ खातीन से यह सवाल हुए पैंतालीस फीसद खातन ने यह जवाब दिया कि हमारा नाम ही एफ आर सी से खारिज कर दिया जाता है अच्छा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा जारी कर फ्री से उस ट्री से निकाल देते निकाल दिया जाता है ओके मिसाल के तौर पर पांच भाई हैं उनकी दो बहने ठीक है।, है वहां पर पांच भाइयों का नाम तो लिखा जाएगा दो बहनों का नाम नहीं लिखा जाएगा अच्छा ये तो वह बाद में जाके केस करेंगी तो खुश आयन मतलब इदार, मतलब इसमें, इसमें है कि अब बच्चे की विलाद जब होती है तो हम उसका नाम इंदराज करवाने जाते हैं ठीक है तो उसमें सबसे पहले यह देखा जाता है इनके वालदेन का आपस में जो है वो आई कार्ड सेम है ठीक है ठीक निकाह नामे के मुताबिक आई कार्ड बना है कि नहीं बना अब उसमें यह है कि वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस खानदान के अंदर जो है वो खवतानी कितनी हैं मर्द कितने। यानी फैमिली ट्री जो है वो पूरी की पूरी आपके अभी शुरू कर दिया बिल्कुल ठीक ये ये माजी करीब बिल्कुल इसका बड़ा फायदा होगा बिल्कुल ठीक इसी तरह फिफ्टी परसेंट पचास फीसद खातन ने यह जवाब दिया है कि उनको उनसे मुख्तारनामा ले लिया जाता है मुख्तारनामा ले लिया जाता है उनसे इख्तियार ले लिया जाता है ले लिया जाता है अब वो जो मर्जी करें ठीक ठीक है और पहले ही माशरती दबाव बहुत ज्यादा आए कि जाहरी बात है उसने अपने मेके तो आना ही आना। हाँ, हाँ, अगर वो मुतालबा करेगी उनके खिलाफ जाएगी हाँ, तो ज़ाहरी बात है कि उस घर में वो दाखिल नहीं हो सकती। हाँ, फिर उसके हमारे बंद है, लिए बंद है।, बंद है।, है ना हाँ जी तुम्हारे जनाजे में मत आना शक्ल मत देखना और ये सबसे बड़ा थ्रेट होता है उसका मायका बंद हो जाए जी यही वजह है कि वो अदालतों में नहीं जाती खबातियां कि हो सकता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं हमारा खामेंद है अगर वो हमसे नाराज़ हो जाए घर से निकाल दें हमने किधर जाना है आ, वो मायके को निभाने के लिए जो बेचारी वो सरेंडर करती है और ये है कि ये जो भाई हैं ये शेर हो जाते हैं कि ठीक है ये हो सकता है कि ये करे इस तरह हमारे खिलाफ हो ही नहीं सकता अब ये है कि ये भी एक सर्वे है एक तो मुख्तारनामा ले लिया जाता है ठीक है यानी कागजात पे अंगूठे लगवा लिए जाते हैं अब अगर कोई चला भी जाता है खतून को चली भी जाती है वो अपना हक लेने चली जाती है तो सबसे पहले उस पे प्रेशर होता है वो पहले हम उसकी बात कर चुके हैं दूसरा यह है कि कानूनी पचीदगियां बहुत ज्यादा हमारे यहां स्पीडी रेमिडी नहीं है एक लेंथी प्रोसीजर है जाहिर बात है कब तक खातून निकल के अदालतों में आएगी एक साल दो साल कब तक आएगी ये लेंथी प्रोसीजर है हाँ सजा दिलवाने के लिए वो रेमिडीज जो है वो जल्दी मिल जाती हैं लेकिन आपने तो हक लेना है अपना उसके लिए जो है वो सिविल कोर्ट में जब आपने जाना है वो एक लेंथी प्रोसीजर है तो वो उसके लिए वो खातून जो है वो कहती है कि भाई अब मैं इतने साल हो गए हैं वो बाकायदा तौर पे उसको छोड़ देती है जाती है नहीं है उस नवम्बर दो हजार का केस में पड़ रहा था जैसे जीसा साहब ने भी वर्डिक्ट दिया है अब वो औरत के हक में फैसला बयालीस साल के बाद फोर्टी टू के years. बाद अब आप सोचिए चार डैकेट्स निकल चुके हैं नस्लें जो है वो इधर उधर हो जाती हैं उसके बाद जाके फैसला हुआ उस औरत का और क्लेम भाई बहन बहन का भाई के ऊपर था बिल्कुल ऐसे स्पीडी रेमेडी नहीं है हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके बाद ज़ाहरी बात है जब आपने जाना है अपने वकील तो करना है कानूनी पचीदगियाँ है इतनी हैं कि आप खुद तो अपना केस बयान नहीं कर नहीं। सकते आप ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते नहीं। उसके लिए आपको वकील करना पड़ेगा अब वकील की फी है अब होता ही है भाई के पास जायदाद है ज़री रकबा है उसके पास कब्जा है वो कबा भी रहा है और केसेज पे भी लगा रहा बिल्कुल ऐसे इनके पास कब्जा नहीं है हाँ। वहां से कोई आमदन नहीं है जेब से लगा रहे हैं जेब से लगा रहे हैं, और वो भाई करता क्या है एक गड्डी बड़ी मोटी सी उसने जो है वो भेज दी एडवोकेट को खत्म हाँ। फिर वो रुलते रहे खत्म मामला हाँ। एक तरफ हो बिल्कुल हाँ। ठीक है, ये फीसिस भी नहीं अदा कर पाते हम्म इस वजह से वो इस तरफ जाने का नाम एक दफ़ा अदा करेंगे दो दफ़ा करेंगे हमारा अदालती निज़ाम है आपके सामने हर चीज़ का इल्म है यानी टोटैलिटी में आपकी बात में ये समझा कि हज़ारों केसेस इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं मौजूद हैं ठीक है। नाज़ीन हमारे साथ रहे और बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इस अतबार से मैं मैं वर्ड इंटरेस्टिंग तो यूज़ कर रहा हूँ लेकिन सच्ची बात यह कि इमोशनल बातें भी हैं इस हवाले से कि अफसोस का मकाम नहीं है अभी तो ज़ाहिर बहुत से हकाइक और चूँकि वक्त बड़ा प्रिसाइज होता है ये जो कुरान से शादियाँ करवा देते ये क्या वाक़त है कभी सोचा है आपने इसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद को जो है वो हड़पने के लिए कि हमारी जो जायदाद है उसका हिस्सा निकल के जो कोई एक तो हमारा बहनों ना बने हमारे सर पर ना आए और हमारी जो बहन के तवसुस से जायदाद ना जाए उसका हिस्सा भी हमारे पास होना चाहिए तो कुरान से शादियाँ बच्चियों की करवा दिया करते हैं तो ये इस माशरे की तल हकीकत है दुरूद पाक सरकार की बारगा में उनके हाल की बारगाह में पेश कीजिए लौट के आपको बतलाते हैं कि बेटी की विरासत के हवाले से एक बाप की जिम्मेदारी क्या बनती है यह हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी कल्चर है दहेज दे दिया दहेज बस तालीम कर दी और ये कर दिया वो कर दिया असल बनता क्या इस पर गुफ्तु करेंगे द्रुदाग पेश कीजिए जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशा मदेव कहता हूं इंपॉर्टेंट मौजू इत अहम तरीन मौजूद के बहनों और बेटियों की जो विरासत के मामले हैं नाजरी आज उस पर गुफगू हो रही है वक्फ़े से कबल तीन चार बातें हुई हैं और मेरा ख़्याल है आप उस पर जाके हम गुफ्तु कर लेते हैं तो साहब एक तो ये कि आ, हमारे यहाँ जो जाहिर है ये एक मैंटालिटी बन गई और बच्ची सिर्फ इसलिए करती है ये काम और ये तो देखा गया है कि वो इमोशनली ब्लैक हो रही होती है बा मतलब भाई ना रुड़ जाए मई का बंद ना हो जाए दरवाज़ा बंद ना हो जाए तो वो दस्तबरदार हो जाती है कि ठीक है मुझे विरसे में अब वो बेचारी घर में भले फ़ाके कर रही हो और उसका जो भाई है ढाई फुट ऊँची गाड़ी से उतर रहा हो लेकिन वो सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए वो दस्त बरदार हो जाती है तो शरीय क्या कहती है इस बारे में एक बात लेकिन इससे पहले जो बड़ी अहम तरीन दो बातें वो ये कि बेटी की विरासत के हवाले से एक बाप की क्या जिम्मेदारी बनती है और बाप मर गया अब तरका छोड़ा अब विरासत तकसीम होनी है तो उस वक्त एक बहन के लिए भाई की जिम्मेदारी क्या बनती है बताइए देखिए अभी खूबसूरत अंदाज में कानूनी एतबार से भी इस पर बात हुई है माशरती एतबार से और समाजी एतबार से औरत अगर कमज़ोर है और भाई ताकतवर है और मालदार भी है और वह उसके खिलाफ लड़ रहा है तो उस भाई को ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी कमज़ोर बहन के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहा बल्कि उस बहन के हक के पीछे खड़ा है दीन शरीत मतहरा अल्लाह और उसके रसूल के आकाम जनाब लिहाजा वो अपनी कमज़ोर बहन के खिलाफ नहीं लड़ रहा बल्कि शरीय मतहरा के खिलाफ लड़ रहा है जनाब और जब शरीय मतहरा के खिलाफ लड़ रहा है तो अपने ईमान और अपनी आखरत को सबसे पहले सोचना चाहिए कि फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा अब ये आपने मुख्तलिफ एंगल से ये बात जो फरमाई है अपने इंट्रो में भी और सवाल में भी कि बाप क्या करता है और फिर भाई क्या करते हैं वरासत के मामले में तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूँ कि किसी भी शख्स की जायदाद को तरका या वरासत तब कहेंगे जब वो फोत हो जाता है ठीक है उसके जीते जी जिस ज़िंदा है बाहियात है उसके माल को उसी का माल कहा जाता है उस वक्त लफ्ज़ वरासत या लफ्ज़ तरका उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा अब बाप की ज़िम्मेदारी ये है कि वह अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करे अपने बेटों को ये समझाए और उन्हें बावर करा के जाए कि जैसे तुम मेरे साथ नस्बी रिश्ते के साथ हकदार बन रहे हो मेरी जायदाद के इसी तरह मेरी बेटियाँ भी बन रही तो जब वो माइंड सेट ऐसा बना के जाएगा तरबियत करके जाएगा तो फिर बेटियाँ महरूम नहीं रहेंगी दूसरा अमली तौर पर उसका किरदार ये बनता है कि जो लोग जीते जी अपने सारे माल को इसी तरह सेटल डाउन करना चाहते हैं बाज़ात मुख्तार नामे लिखवा लेते हैं बुला के इकरार करवा लिया भाइयों के सामने बिठा के और तुम्हें जहेज़ दे दिया और इस तरह की बातें करके भाइयों के नाम पे कर दिया और... भाइयों के नाम और... पहले और... ट्रांसफ़र कर दिया बच्ची है? के नाम पे एक फ्लैट कर दिया और तालीम कर दी और लिहाजा ये ये जब मामला आए तो सबसे पहले अगर कोई शख्स अपने जीते जी इन मामला को किसी नजा से बचने के लिए अगर करना भी चाहता है तो सबसे पहले किसी मुस्त आलम दीन से रबता करके शरीय मुता के अकाम को जानकर फिर करें वरना वरासत और तरका का इतलाक तब होगा जब कोई शख्स फोत होता है अब फोत होने के बाद फिर आ जाता है रोल हिस्सेदारों का और हिस्सेदारों में फिर, यानि यहाँ एक रुक के फिर आप बात आगे बढ़ाए अगर वो ये मिसाल के तौर पे एक अपना क्या कहना चाहिए एक वसीयत के तौर पे लिख दे के बिल्कुल शरीयत के उसूलों के मुताबिक तकसीम होगी मेरे मरने के फौरन बाद वरना किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो ये मेरा ख्याल एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसकी बुनियाद पर जो अगला मामला होगा वकला जो है वो तरीके से लेंगे बिल्कुल बेहतरीन है ठीक हाँ और मैं ये समझता हूँ कि अगर वाले अपनी औलादों को इस इशू के ऊपर बार बार मुतवजे करते रहें कंसंट्रेट कराते रहें अपना नैरेटिव देते रहें अपना बयान देते रहें तो ये इतनी अच्छी खासी तरबियत हो जाती है कि ये हो नहीं सकता कि उनके फौत होने के बाद उनकी बेटियां या बहनें वरासत से मारूम ऐसी फैमिलीज हैं। 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 ना ऐसी फैमिलीज हैं कि जिन भाइयों ने मुकम्मल तौर पर जो उनका अदा किया उससे ज्यादा भी दिया हाँ यानी जीते जी उसको इंश्योर करते जाए ठीक है ऐसे बहुत सारे खानदान बहुत सारे लोग हैं जो रबा करते हैं मंद होते हैं और अपनी बेटियों को पूरी तरह हक़ देने और हक दिलाने में वो पूरी तरह शरीयत के अहकाम को अमल दराम भाइयों की जिम्मेदारी अब इसी तरह भाइयों की जिम्मेदारी है कि अगर किसी का वालद फौत हो गया वालदा फौत हो गई तो उसके बाद ना तो अखलाकी तौर पर ब्लैक मेलिंग रवा है जायज़ है किसी तौर पर भी और ये कुरान मजीद के उस हुक्म के तहत भी आ जाता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल अपने एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ तो यह भी एक बातिल तरीका है कि उसे अखलाकी तौर पर किसी प्रेशर में लाना दबाव में लाना वरना तेरी मेरी बोलचाल बंद हो गई आना जाना बंद हो गया घर पे आना नहीं है ये भी बातिल तरीके से किसी के माल को हथियाने के ज़ुमरे के अंदर आ रहा है इसी तरह अगर हीले बहाने से ये कह दिया हमने आपको पढ़ाया आपकी शादी की ये ख़र्चे किए ये किए भाई वो जीते जी जिसके ऊपर जो ख़र्चे भी किए हैं आपने वो अपनी सवाबदीद से थे वो वरासत के ज़ुमरे में नहीं आते हैं नहीं। वरासत और तरक़े के अहकाम जो हैं वो अलग से आते हैं लिहाजा इंसाफ इस मामले के अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हिस्से मतिन शुदा हैं अब मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं अगर आप ऐसे एंगल से देखें ना कि बेटियां हैं अगर तो बेटी वरासत के अंदर हिस्सेदार बनती है उसकी तीन मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं हम तो बात कर रहे हैं उस मुआशरती अलमिये की कि बेटियों को महरूम कर दिया जाता है एक सूरत वो भी है कि बेटी अपने बाप के निस हिस्से की जायदाद की मालिक और वारिस बन जाती है अच्छा वो कैसे? वो कब वो तब है कि जब यानी मरने वाले का बेटा मौजूद ना हो यानी इसका भाई मौजूद ना हो औलाद ना हो तो इसका मतलब है कि शरीयत मुतहरा ने तो यहां तक उसको हक दिया है जैसे अभी अला साहब ने बयान फरमाया इसी तरह जो बहनें हैं उन बहनों के मुख्तलिफ जो सूरतें बनती हैं वसा की मौजूदगी में कौन है कौन नहीं है वारिस उसकी पाँच सूरतें बनती हैं इसी तरह जो बहन है बहन की मुख्त छह सूरतें बनती हैं वरासत के अंदर कभी वो जायदाद का आधा हिस्से की मालिक और वारिस बन रही होती है कभी ऐसा होता है कि अगर एक से ज्यादा हैं और साथ उनका भाई और मरने वाले का बेटा मौजूद नहीं तो वो जायदाद के दो तिहाई हिस्से की मालिक बन जाए किसी मुस्त आलम के पास जाए उससे पहले फराइज कम अज कम पढ़ना शुरू कर आखिरी जुमला जो कि बहुत जरूरी सवाल है और ये होता है दस मैं मतलब एक, मतलब किसी को फोर्स करूं कि जी आपका तो मतलब देखेंदारीबरीन तो की आरा और फतावा जात मौजूद है ये जायज़ नहीं है ओके जायज है एक और सूरत हाँ। और सूरत ये है कि हिस्से किए जाए ठीक है बांटे जाए ठीक है हिस्से बट जाने के बाद फिर कोई बहन अगर अपने तौर पर किसी एक भाई को या दो को या तीन को या बराबर अगर वो हैबा करना चाहे okay. तो हेबा की सूरतें मौजूद हैं हाँ। ये नहीं है कि मैं दस्तबरदार हो गई या तू हो गई हाँ। और बाकी जायदाद आपस में बांट लो ये नहीं होता हाँ। और एक यहाँ एक जुमला अर्ज हाँ। करूंगा एक आखिरी हाँ। वो ये कि बहनें तो दस्तबरदार होती हुई मुआशरे में नजर आती हैं भाई कभी अगर ये अपनी विलिंग से हो रहा है अपनी कॉन्सेंट से है तो क्या कभी भाई भी ना कभी नहीं इसका मतलब है अखलाकी दबाव के नतीजे में ऐसा होता है वरना नहीं है आज तक को ये केस सुनने ने को मुझे तो नहीं मिला हराम हो कि किसी भाई ने ये कहा कि मैं अपनी बहन के हिस्से से दस भरदार हो गया बहनों ने बेचारियों ने हमेशा सिर्फ अपना जो है रिश्ता निभाने के लिए और वही बात है कि दब के मर के बस ये काम किया अच्छा अब इसमें जो एक और बड़ी अहम तरीन बात है वो ये कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को विरासत ना दे या कोई भाई अपनी बहन का हिस्सा खा जाए और होता जाहिर या मॉस्टर्स में बड़ा आम है तो ऐसी सूरत में क्या वईदे बनती हैं यानी मिसाल के तौर पे एक शख्स है उसने कर लिया वो अपनी बच्चों पे लगा रहा है बीवी उसे पता ही नहीं है साहब वो जो कब्र तैयार हुई हुई है उसमें मामला क्या होने वाला है दूसरा एक चीज़ इसमें और बड़ी हाँ मैं उसको भी ज़राइट कर लीजिए कि जहेज जैसे बार बार रिपीटडली कह रहा हूँ जहेज के नाम पर जिसे दहेज भी कहा जाता है उसके नाम पर तालीम के नाम पर ज़रूरिया ज़िंदगी के नाम पर अखराज वग़ैरह जो है क्या ये विरासत का नीम बदल हो सकते है बच्ची के मामले में देखें जो दूसरा पॉइंट है उस पर सबसे पहले मैं अर्ज़ करना चाहूँ शरीत इस्लाम के अंदर बहन बेटी पर जिंदगी में जितना माल खर्च हुआ जिंदा था और उनको पढ़ाते रहे या उनकी शादियां करते रहे जो कुछ भी खर्च किया उस वजह से वो विरासत से महरूम नहीं होंगी ओके okay. और यहां एक बात ये भी अर्ज करता चलूँ <coughs> विरासत के मामला में खुर्द बुरद करने में जहां मर्द इन्वॉल्व है वहां बाद, में, बाद इलाकों में औरतें खुद भी इन्वॉल्व हैं Okay. जैसे शोहर फौत हो गया तो जो घर की बाज जगहों पर औरतें सरदार होती हैं uh -huh. यानी माँ जिंदा है वो माँ अपनी बेटियों को विरासत नहीं दे पा रही खातून आती है uh -huh. वो रो रही थी कि मुझे मेरी माँ ने फोर्स किया है कि तू अपनी विरासत छोड़ दे। हाँ ये होता है <coughs> माँ जो है ना वो तरगीब दे रही कि मेरे बेटों को सारा कुछ दे दो अब वो माँ चाहे तो बच्चों की वजह से मजबूर है चाहे उसको फोर्स किया गया है फोर्स किया जाता है चाहे

से सुनना चाहिए वो क्या? तमाम वो अफराज विरासत खा के बैठे हैं, हड़प करके बैठे हैं, वो सुने अल्लाह फरमाता है, है, तिल का अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कह रहा है, ये हाँ, हाँ, हाँ। पूरा 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 हिस्सा हर एक वारिस को देगा वो सुन लेते हैं हमेशा रहेंगे और आखिर में कितनी प्यारी बात वजालिकल फौज अल्लाह कह रहा ये कामयाबी है कि तुमने सबको हिस्से दे दिए उसके बाद मरोगे तो रब इस्तकबाल करके जन्नत में डालेगा वो बेहतर है या फिर अगला नतीजा व्यालासूल जिसने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की वयता अद्दा हदूदाहू सुन लें वो लोग गौर से जो वकीलों को मरते टाइम बुला लेते हैं और जो बहनों के ऊपर जुल्म करते हैं बेटियों पर जुल्म करते हैं अल्लाह कह रहा है वयता अद्दा हदूदाह जिसने अल्लाह की हदों को फलांग दिया उससे आगे बढ़ गए अल्लाह कह रहा है युद्ध खिल हु नारंग खालिदन फिहा अल्लाह उनको आग में डाल देगा Allah. जिसमें हमेशा रहेंगे खालिदन का लफ्ज खास खास अल्लाह बयान करता है या तो कातिल के लिए बयान किया है काफर और मुश्रक के लिए बयान किया है और यहां विरासत खाने वालों के लिए भी अल्लाह बयान कर रहा है उसमें अगरचे वो मुसलमान मरेगा तो बिलाखिर <laughs> निकलेगा लेकिन खालिदन का लफ्ज और वला हु अजाब मुहीन हाँ। खारी वाला अजाब जिल्लत हाँ। वाला अजाब रुसवा करने वाला अजाब उस बंदे के लिए जिसने वारिस को विरासत से मारूम किया किया और फिर मदीना हजूर रहमत ने कहा जिसने वारिस को विरासत से माहरूम किया रब उसे जन्नत से माहरूम उसकी विरासत जन्नत से काट और अगली बात भी गौर से तमाम दुनिया के लोग सुन लें कि विरासत खाने वाला गासिब भी है गासिब भी है गसब करने वाले के हुक्म भी उस पर लगेंगे भी है के उसने बाप के माल में अब ख्यानत करके वो सारा अपने जिम्मे का अजाब गो है मैदान माशर में अल्लाह रबुल आलमीन ने सबसे पहले जो क्वेश्चन करने हैं उसमें एक क्वेश्चन ये भी है तुमने माल कहां से लिया कहा एक बात को और इजाफा कीजिए इससे पहले का एक फेज है ये जो आपने माल अपनी बहन हथियार लिया कब्जा करके थ्रेट करके मारपीट करके मैं केस पड़ना था मतलब वो बहन हिस्सा लेने घर पे आई उसने सिर्फ जिक्र किया टांगे तोड़ के भेज दिया उसको हाँ। मतलब टांगे तोड़ दी मतलब मार दिया तो वो जो आ, आप जब ये पैसा इंडक्ट करते हैं घर में जी। सारे खाने पीने में तो आपकी बीवी फिर जो शुरू करती आपको किसी में में का हक जो है ना वो हड़प करके अपने पेटों में डालोगे तो कुरान ने तो उसको आग कहा है वो आग के फिर कई माने बन जाते हैं वो आग फिर उसकी तपश तुम दुनिया में भी पाओगे वो नाफरमानी की सूरत में वो अपनी औलाद के हाथों जुलम की सूरत में वो अपनी बीवी के हाथों ना की सूरत में यह चीजें मिलेंगी और जिसने स्त्री के का माल किसी का भी माल

कुरान ने बयान किए मदीना ने बयान किए, हर बंदे पर वो 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 चाहे 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 जो जो है है, है ना ना मरने वाले की बेवा है, चाहे वो उसके बेटे है, चाहे वो उसके बेटे हैं, हैं, हैं भाई है, भाई भी कई सूरत में वो हड़प कर जाते हक, तो इन लोगों को चाहिए की तो बात कर रहे नहीं जो जो के भाई हैं, है जो आ, थे वो सब कुछ खा गए और बच्चों का हक जो है ना वो नहीं मिल पा रहा है और इसमें एक और बात अल्लामा साहब मतलब अल्लाह माफ़ करे लोगों का जहन इतना शार्प हो चुका है अब तो आ, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए होते हैं मुख्तलिफ इदारे मिले हुए होते हैं मतलब पूरा एक काम होता है और आ, मतलब बहुत सी जगहों पर तो ये भी हुआ बहनों को पता ही नहीं कि एक्चुअल वाले ने छोड़ा क्या है उनको पता ही नहीं प्रॉपर्टी कितनी थी और वो शादी बिचारी कोई मतलब बाहर रह रही है कोई अमेरिका रह रही है कोई लंडन रह रही है या मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर है कस्मोपुरसी के आलम में वो भाइयों ने जनाब सारा मामला बैकडोर से किया वो सारी प्रॉपर्टी को खली वली किया अपने नाम पर किया एक तरफ़ कर दिया पता ही डकार तक नहीं लेते सामने और ऐसे मासूम बन के सामने बैठेंगे कि उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला भाई नहीं कोई नहीं है ये भी हो रहा होता है अच्छा अब आइए ज़रा ये जो ऐसी सूरत जब बनती है जब जाहिर बाप बेटी को महरूम कर दे एक शक्ल ये कि अपनी ज़िंदगी में महरूम नह कर दे आ, सारा भाइयों के नाम पे कर दे ठीक है औलादों के नाम नरीना या भाई बहन को महरूम कर दे बाप के मरने के बाद तो कानून बुनियादी तौर पे कैसे उनके लिए मददगार हो सकता है ज़रा ये गाइड कीजिए और कैसे बहुत आसानी से कानून तक रसाई हो गो के गो के मरला बड़ा पेचीदा होता है और तकलीफ दे भी होता है कि खून खून के खिलाफ खड़ा होता है लेकिन अगेन वही बात है उसका हक़ है और कुरान कह रहा है कि हक़ को छोड़ना नहीं है बताइए ज़रा जी इसमें सबसे पहली बात यह है कि तकरीबन दो से पहले जी खतून को जो विरासत से महरूम रखा जाता था उस वक़्त ये ताज़ीती जुर्म डिक्लेयर नहीं किया गया था अच्छा दो हज़ार ग्यारह के बाद बाकायदा तौर पर यह ताज़ीती जुर्म डिक्लेयर कर दिया गया है वेरी गुड तज़ीरत पाकिस्तान पाकिस्तान पिनल कोड उसका सेक्शन फोर नाइन्टी एट ए अब कोई खातून देखे कि उसके भाई ने उसका माल जो है वो हड़प कर रखा है उसे नहीं दे रहा वो उसका विरासती हक है तो वो खातून अपने इलाके के एस एच ओ के पास वो एप्लीकेशन लेके जाएगी फोर ए के तहत अच्छा और उसके खिलाफ केस करेगी एफ आई आर दर्ज होगी एफ आई आर इसने गैर कानूनी तरीके से मेरा माल जो है वो जब्त कर रखा है ठीक है है मेरा एक हक हाँ यानी थाना सबसे पहले उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए और ये ये, ये समझ ले कि एक स्पीडी रेमिडी है स्पीडी रेमेडी जल्दी जो है उस तक वो मामला पहुंच सकता है ठीक है लेकिन बात है कि थाने में एग्जीक्यूशन ट्रांसपेरेंट हो बस असल बात अब इसमें यह है कि एफ हो जाती है तो इसमें जो सजा है गैरकानूनी तरीके से माल हड़प करना विरासती अपनी बहन को हक ना देना इसकी जो सजा है फोर नाइन्टी ए के अंदर उसके अंदर यह है कि यह पांच साल से लेकर दस साल तक की सजा हो सकती है ठीक है और दस लाख रुपया जुर्माना होगा ठीक है अमूमी तौर पर हमें इस चीज का पता ही नहीं जाहिर हाँ। बात है जब एफ आई आर दर्ज होनी ऑटोमेटिकली उन्होंने सीधे हो जाना हाँ हाँ। पहला ये उसके बाद लेकिन वो कोर्ट में केस तो चलना है ना जी चलना है वो ट्रायल होगा ट्रायल तो होगा ना ट्रायल के बाद तो फाइनली मतलब हाँ। ये तो है आपने सजा दिलवानी है हाँ। लेकिन इसके साथ हो गया जी इसमें आपने आपको अलग जाना है सजा दिलवानी ठीक है ठीक है और आपने सिविल केस में भी जाना है उसका मतलब इसके बाद है नाइनटी सी ठीक है कुरान के साथ शादी कर देना तीन साल से लेकर सात साल तक की सजा हो सकती है हाँ। और इसी तरह पांच लाख रुपए जुर्माना लेकिन के थाने वाने सारे उसके पास है तो वैसी बेचारी बच्ची सेमी भी होती है आज तो वैसे बंद किया कह लें कि कानून है लेकिन निजाम की खराबी खराबी निजाम की खराबी अब इसी तरह सिविल केस की तरफ आ जाए इसमें जो है सबसे पहले अगर वो ये समझता है जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि महकमा माल जो है हाँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसने कोई है 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 बिल्कुल ठीक और अब उसमें उसमें जो है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट उसके सेक्शन वन के तहत अब वहां पर रिव्यू जो है वो एप्लीकेशन पटिशन दायर करेंगे ओके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा और वहां पर आप बताएंगे कि ये साजबाज हुई है ठीक है ये मामला है मेरा माल जो है वो हड़प किया गया है ये तरीकाकार इख्तियार किया गया है जो कि गैर कानूनी है मतलब जिस इदारे से साजबाज हुई है उसी उसी में वहीं पे आपने जी आपने वहां जाना जाहिर बात है उन्होंने तो नीचे जो अमला होता है किया तो उन्होंने होता है ना सारा मामला वो हाईस के पास हा, आपने जाना है और जाके आपने वहां पे एप्लीकेशन देनी है सात दावा इसतरार हक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसका सेक्शन फोर्टी है ठीक ये सिविल केस है अच्छा इसमें एक बड़ी अहम बात है जो समझने वाली वो क्या वो सुनने वाली वो ये है कि देखिये जब सिविल केस में आपने जाना है ना तो उसमें सबर का मुजाहरा करना है मैंने बताया ना 42 के बाद वो केस, आप उसको वहां पे कोई भी फैसला आए आपके फेवर में आए या आपके अगेंस्ट आए हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में जाके क्योंकि ये जो निचली अदालतें है ना यहाँ पे बाकायदा तौर पे एविडेंस क्रिएट होता है उसकी कानूनी हैसियत देखी जाती है जो हाई कोर्ट है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल नुकता निगाह से देखा जाता है वहां जल्दी रेमेडी दे देता है okay. ओके और हाई कोर्ट में इसका तकरीबन जो है फैसला हो जाता है ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती hmm. यह है कि यहां पे हौसला ना छोड़ा जाए बल्कि यह है कि अपना लेंथी प्रोसीजर है इसको जारी रखा जाए इसे कंटिन्यू रखा जाए hmm. ये अपना दावा इसतकरार हक है इसमें बाकायदा तौर पर सेक्शन फोर्टी टू में बताया जाएगा कि आपका हक है कि नहीं अब आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट मौजूद है बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा हिबा करता है जिसमें उसकी बेटी का या बहन का विरासती हक जो है वो सलब किया जा रहा है ऐसा हिबा जो है वो नल एंड वाइट डिक्लेयर होगा यानी वो जो शरीयत कहती है कि वन थर्ड आप जो है ये ना, का है ना आ, नहीं, गिफ्ट, है, है। गिफ्ट अच्छा। जिंदगी में होता है और वसीयत की जो है ना वो ऑपरेट होती है मरने के बाद ठीक है में फर्क अच्छा, है कि हिबा के नहीं होगा वो नल डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके बाद यह है दस्तबरदारी बरदारी खतून खुद दस्तबरदारी कर देती है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसकी दस्तरदारी नहीं मानी जाएगी ओके okay. उसकी वजह ये कि एक प्रेशर है उस यह किस कहे भी कि तो नहीं माना ये एक बहुत अच्छा इकदाम और ये ये शरीयत शरीय रेलिवेंट मतलब बात, बात है। ये एक बहुत अच्छा भी अच्छा कह अच्छा रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है क्योंकि ज्यादातर तो ऐसा ही है ना कि वो एक माशरती प्रेशर की वजह से जाकर बयान दे आती है ठीक है अब ये चंद मैंने आपको कानूनी चीजें बताई वक्त खत्म हो गया लेकिन गुफ्तु बड़ी कमाल रही बहुत शुक्रिया आप तीनों आप आप, आप लाए आइए शिफा की लिए चलते हैं तकबर से महफूज रहने का वजीफा आपको बतलाते हैं दिन में किसी किसी भी वक्त अब्वुल आखिर दरूद पाक के साथ सूर मोमिन की आयत नंबर सत्ताईस इकतालीस बार पढ़ने का मामूल बना लीजिए इनशाला तकबुर जैसी बीमारी से महफूज रहेंगे हजरत अली अलमलाउुल करीम का कॉले मुबारक है कि सबसे अच्छा हाकिम वो है जो तमाम रैयत में इंसाफ का निज़ाम कायम करे रोज़नामा नाइनटी टू न्यूज़ में आज ज़रूर पढ़िएगा इस्लाम में ख़म के माली हकूक के हवाले से जो मजमून है वह इन शह बहुत इंफॉमेशन देगा एक्सपे में फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए आइए जरा अपनी अपनी रूसी तजदीद हद वफ़ा वाल व ना अजमैन अल्लाह तब का हमारा हम सबका पाकिस्तान का उम्मत मुस्लिम का खास तौर पर गज़ा के रहने वालों के लिए फ़लस्तियों के लिए दुआ कीजिए उनका हामी ना आमिन पाकिस्तान का मतलब क्या ला महमद रसूल